अब बारी एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिनका कार्यकाल हल्का लेकिन जलवा जबरदस्त भारी था। बड़े ही कम दिनों के लिए यूपी की सत्ता इनके हाथों में आई थी, पर उतने में ही प्रधानमंत्री तक के छक्के छुड़ा दिए थे। आजकल की भाषा में कहें तो भौकाल बड़ा टाइट था इनका। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का में। आज तीसरे एपिसोड में हम आपको यूपी के एक ऐसे सीएम के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद को चोर कहते थे, लेकिन जब दुनिया को अलविदा कहा तो बैंक खाते में मात्र 10,000 रुपए मिले। 14 जुलाई 1902, ये वही दिन है जब अलीगढ़ के बिजोली ने यूपी के तीसरे और तीन बार यूपी पर राज करने वाले मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को जन्म दिया। इनके पिता हीरालाल गुप्ता सामाजिक व्यक्ति थे, जिससे चंद्रभानु का मन सामाजिक सेवा में रम गया। फिर आर्य समाज से जुड़ गए और पूरा जीवन ब्रह्मचर्य रहे। शादी भी नहीं की और शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई। फिर लखनऊ चले आए और वकालत की पूरी पढ़ाई की और फिर क्या, एक बढ़िया वकील बन गए। वैसे एक बात है, उस वक्त के नेता एक जाने माने वकील ही हुआ करते थे। उस वक्त बहुत कम लोग ही थे जो लॉ की पढ़ाई करते थे, और जो पढ़ाई कर लेता था वो छा जाता था। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रभानु भी आजादी की लड़ाई में उतरे। सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना उस वक्त जवानी की निशानी हुआ करता था। चंद्रभानु साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए, जिसके चलते वो 10 बार जेल भी गए। मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकीलों में एक चंद्रभानु भी थे। और फिर आया जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। अरे, अब इतना कुछ होने के बाद खुद को भी तो साबित करना था। फिर क्या, 1926 में कर लिया कांग्रेस ज्वाइन। फिर क्या, किस्मत और मेहनत दोनों रंग लाती गई और धड़ल्ले से आगे बढ़ते गए। कांग्रेस में कई अहम मुद्दों पर काम किया और 1937 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य चुने गए। फिर स्वतंत्रता के बाद 1946 में बनी पहली सरकार में वो गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में सम्मिलित हुए। फिर 1948 से 1959 तक कई विभागों में मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नेहरू को चंद्रभानु भाते नहीं थे। पर धीरे धीरे चंद्रभानु यूपी की सियासत में बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। कहा जाता है यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना रौला था कि विधायक चंद्रभानु के सामने पहले नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू से दुआ सलाम करते थे। और फिर बारी आई कुछ बड़ा करने की। 1960 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। उसी वक्त ये रानीखेत से विधायक थे, लेकिन संपूर्णानंद के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनीति काफी जटिल हो गई थी, कई पुर्जे बन गए थे। कांग्रेस में इसी समय संपूर्णानंद को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया और चंद्रभानु को यूपी का मुख्यमंत्री। लेकिन इससे केंद्र के नेताओं में खलबली मच गई। ये वो दौर था जब केंद्र में नेहरू की सत्ता को कांग्रेस के लोग ही चुनौती देने लगे थे। फिर 1963 में कामराज ने नेहरू को सलाह दी कि कुछ लोगों को छोड़कर कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा गया कि कुछ दिन के लिए पद छोड़ दीजिए, लेकिन चंद्रभानु की नजर में था कि नेहरू जिसे पसंद नहीं करते वो पार्टी से चला जाए, लेकिन उन्हें मना लिया गया और कहा गया कि ये कुछ दिनों की ही बात है, फिर से आपको सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामराज के प्लान के तहत चंद्रभानु को सीएम पद छोड़ना पड़ा, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा। किस्मत की बात है, 1967 के चुनाव में जीतने के बाद फिर से सूबे के मुखिया बने, लेकिन इस बार सिर्फ 19 दिनों के लिए। फिर वही किस्मत,
किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस तोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिससे चंद्रभानु की सरकार गई और चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। पर वो सरकार चला नहीं पाए, वो सरकार भी गिर गई और चंद्रभानु गुप्ता को आनंद फानन में मुख्यमंत्री बना दिया गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस को हमेशा के लिए बदल दिया। 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई और यहीं से और नेता के साथ चंद्रभानु के करियर पर भी ब्रेक लग गया। चंद्रभानु गुप्ता पर विरोधियों ने जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन वो चंद्रभानु गुप्ता थे जो कहते थे कि गली गली में शोर है सीबी गुप्ता चोर है, और वो भी एक दो बार नहीं बल्कि कई कई बार। जब उनके सामने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के सवाल उठते तो वो यही बात दोहरा देते और हंसते हुए निकल जाते। यूपी के पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता शायद देश के इतिहास में ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री रहे होंगे जो खुद को ही चोर कहते थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और जलवा ऐसा था कि नेता उनके आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाते थे। चंद्रभानु गुप्ता की ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण उनका बैंक अकाउंट ही था, जिसमें उनके निधन के बाद महज 10,000 रुपए ही मिले थे। चंद्रभानु गुप्ता प्रदेश के ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अपने निजी आवास में रहते थे और अपने निजी कार से चलते थे। क्या आपने देखा है ऐसा चोर? चंद्रभानु गुप्ता की लोकप्रियता गजब थी। आलम यह था कि उनकी इसी लोकप्रियता ने उन्हें नेहरू के आंखों की किरकिरी बना दिया था। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, लेकिन चंद्रभानु गुप्ता का यह अंदाज बड़ा निराला था। लेकिन 11 मार्च 1980 को यूपी के इस लोकप्रिय राजनेता ने अंतिम सांस ली और हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, आपको हमारा ये तीसरा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।